हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिश कट पेटीकोट की कटिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पेटीकोट है ये नेट की जो साड़ी है उसके नीचे पहना जाता है, क्योंकि नेट की साड़ी पर हमें सारा ट्रांसी हमारी नेट होती है। तो जब ये पेटीकोट पहनते हैं तो उससे हमारा जो बेस है बहुत अच्छा बनता है और उस पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये बॉडी का जो ये पेटीकोट है बॉडी का शेप ले लेता है। तो देखने में ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको इस फिश कट पेटीकोट की कटिंग बताऊंगी जो बहुत ही इजी वे में होगी। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए जो हमें मेजरमेंट चाहिए था, सिर्फ दो मेजरमेंट चाहिए होते हैं, एक तो हमें लंबाई का और एक हिप। लंबाई है हमारी 38 इंच और हिप है हमारा 36 इंच। इसके हिसाब से हम सारा पेटीकोट हम इसे कटिंग करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फिश कट पेटीकोट होगा वो लाइनिंग वाला होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ इस पर काटेंगे तो ये सिल्क का कपड़ा होता है, ये सेंटून का कपड़ा सिल्क का होता है, तो बाद में छिजने का डर रहता है। तो अगर हम इसमें लाइनिंग लगा देते हैं तो एक तो इसमें मजबूती आ जाती है और एक हमारा एक अच्छा सा बेस बन जाता है। तो आप जब भी बनाएं तो लाइनिंग वाला बनाएं, फिर आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत साड़ियों में ये काम भी आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर लाइनिंग ली है और 2 मीटर ही मैंने ये सेंटून का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर निशान लगाएंगे और फिर बाद में इसको उस पर रख के हम इसे काटेंगे। तो इसको हम साइड कर देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने कैसे हमने फोल्ड करना है, और देखिए अब इसको हम इसे लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। पहले ऐसे इस तरह से कर लिया लंबाई में, अब इसको देखिए हमने ऐसे चौड़ाई में फोल्ड कर दिया। ये हमने 4 फोल्ड कर दिया और इसको हमने इस तरह बिछाना है। देखिए अपनी तरफ जो है रखना है, हमने रखना है ओपन साइड और सामने की तरफ रखना है हमने फोल्ड साइड। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमने लंबाई में फोल्ड कर लिया, फिर चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। ये देखिए हमारे, ये देखिए 1, 2 और ये 3 और ये 4, इस तरह हमें 4 फोल्ड कर लिया इसे, और कन्नी की साइड हमने तरफ रखा है और फोल्ड साइड हमने सामने की तरफ रखा है। अब हम इसकी मेजरमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी कान निकाल देनी है, जिससे हमारी कटिंग में बहुत अच्छी सफाई आती है। अब इसको हम निकाल देंगे, पहले कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच पर हम इस पर निशान लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन रख लेंगे, जिससे कि हमें जो बेल्ट जोड़ेंगे उसमें हमें ये काम आएगा। तो इसको आधा इंच पर निशान लगा के इसे हम सीधा कर लेंगे। ये जब बेल्ट जोड़ेंगे उसमें हमारा ये काम आएगा। ये हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पेटीकोट है ऊपर बेल्ट लगेगी, तो हमने 1.5 इंच की बेल्ट लगानी है। तो 1.5 इंच हम इसमें बाहर निकाल के, देखिए यहाँ से लगाएंगे इसको 1.5 इंच बाहर निकाल के, इस लाइन से अलग 1.5 इंच हम निशान लगा कर हम लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई है हमारी 38 इंच। तो देखिए यहाँ से हमने 38 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब जो हमारे यहाँ नीचे हमने लगाना है, बुकरम की पट्टी लगाएंगे हम। जो बॉर्डर बना, इसके जो इसकी जो बॉटम बनाएंगे वो बुकरम से बनाएंगे। पट्टी होती है बुकरम पट्टी लगाकर हम इसमें 1/2 इंच की पट्टी लगाकर हम इसमें बॉर्डर को पलटेंगे। तो उसके लिए हम इसमें 1/2 इंच की पट्टी को पलटेंगे तो हमें 2.5 इंच की जगह चाहिए होगी। तो 2.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ही बुकरम पट्टी पलटी जाएगी, डबल फोल्ड होगी बुकरम पट्टी। तो उसके लिए हमें 2.5 इंच मार्जिन हमने रख दिया। ये बॉटम हमारी यहाँ से मुड़ जाएगी, तो इसको भी हम सीधा कर देंगे इस तरह। अब फ्रेंड्स, हम थाई का निशान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो 1/2 इंच की हमारी लाइन लगी यहाँ से हम रखेंगे टेप को और नीचे तक देखेंगे। देखिए हमारा ये आ रहा है 36 इंच, यहाँ से लगाएंगे निशान 36 इंच। टेप को यहाँ से पकड़ के इसे फोल्ड कर देना, टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 इंच। ये देखिए 18 इंच आ जाएगा। तो पहले हम 18 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह। अब फ्रेंड्स, इसे हम 3 इंच ऊपर, हमारी थाइज होती हैं तो यहाँ से 3 इंच पे हम देखिए ऊपर जाएंगे। इस निशान से 3 इंच ऊपर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये हमारा थाइज का निशान हो जाएगा। इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया इस निशान को। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप है हमारी 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। तो 9 में से हम 3 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 6 इंच। तो हम यहाँ से इस जगह से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो टेप को देखो लाइन से नीचे रखेंगे ऐसे, और 6 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारी हिप की लाइन होगी। ये हमने निशान लगा दिया, 6 इंच पर हमारा निशान लग गया। अब हम हिप की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो कैसे निकालेंगे हिप की, हम चौड़ाई कैसे निकालते हैं। हिप है हमारी 36 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 9 इंच, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम 10 इंच पर निशान लगा दिया, और यहाँ से भी देखिए यहाँ से भी हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। ये हमने 10 इंच पर निशान लगाया, ऐसे ही थाइस पे भी हमने 10 इंच पर निशान लगा देंगे पहले। ये देखिए ऐसे, और ऐसे ही बॉटम पे भी हम 10 इंच का निशान लगा देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी लाइन में ये सीधी कर दी। अब फ्रेंड्स, हमारा ये थाई है, ये थाई है जो एरिया, ये वाला, इस जगह से हम 1.5 इंच अंदर भी निशान लगाएंगे। ये हर जो मैं निशान लगा रही हूँ, हर साइज़ के लिए इस तरह ही आपको निशान लगाना है, चाहे आपका हिप साइज़ कुछ भी हो, आपको निशान जो लगाना है वो इस तरह ही लगाने हैं। तो आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपका पेटीकोट बहुत अच्छा तैयार होगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। थाई था, थाई में से हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ हमने यहाँ पे निशान लगाया है। तो देखिए, जो हमारा ये निशान है, इसको देखिए हमने कैसे मिलाना है। तो देखिए, इसको हमने ऐसे मिला देना है, इस निशान से ऐसे इस तरह से मिलाना है। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है कमर की शेप देने के लिए। देखिए, हमने यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगा देना इस तरह, और देखिए इसको हमने इस तरह मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला देना, ये हमारी हिप राउंड बन जाएगा। देखिए, हिप की पूरी ये शेप आ जाएगी। देखिए, इस तरह हमारी ये शेप तैयार हो जाएगी। अब देखिए, जो बॉटम है, बॉटम से हमने देखिए यहाँ से ये हमारा जो घेरा तैयार करेंगे, यहाँ से देखिए हमने यहाँ से 4 से 4.5 हम यहाँ पे बढ़ा कर लेंगे। जो हमारा घेरा है, ये 4 इंच पर हम इस देखिए ऐसे बढ़ा के लेंगे, इस तरह लेंगे। और इसको देखिए हमने इससे मिलाना है, इस निशान को हमने इससे मिलाना है। ये देखिए, इस तरह रखना है और इस तरह से हमने इसको कर्व देना है। देखिए, यहाँ तक हमारा सीधा रहेगा, इस तरफ यहाँ हमारा सीधा रहेगा, और यहाँ से देखिए ऐसे करके हमने इसको कर्व देना है, इस तरह से यहाँ इस तरह गोलाई जाएगी हमारी, इस तरह। ये देखिए, ऐसे हमने गोलाई करनी है और एक गोलाई हमने ये वाली लेनी है। ये हमारी फिश कट की देखिए शेप आ जाएगी इस तरह से। अब हमें इसमें मार्जिन रखना है। देखिए, वैसे फ्रेंड्स 1/2 इंच मार्जिन लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। आप भी देखिए ऐसे करके इसमें मार्जिन ले लीजिए कि अगर आपको बाद में खोलना पड़े या आपको टाइट हो जाता है, कुछ होता है कि भविष्य में आप थोड़ा सा हैवी हो जाएँ, तो आप इसको खोल सकें, जरूरत पड़ने पर भी इसे खोल सकें, तो आप इसमें 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। अब जो फ्रेंड्स ये हमारी बॉटम है, ये जो बॉटम हमारी हम ये तिरछे में जाती है ना, तो थोड़ी लटकती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने क्या करना है, हम 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, 1 से 1.5 इंच हम निशान लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने ऐसे गोलाई में आपने इसको इस तरह आपने लगा देना है, तो हमारा ये कभी भी हमारा जो ये नीचे हमारा घेरा है वो लटकेगा नहीं, साइड से हमारा घेरा नहीं लटकेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने 1 से 1.5 इंच आपने इसमें गोलाई दे देनी है, इस साइड से गोलाई दे दोगे तो आपका ये जो पेटीकोट है वो साइड से लटकेगा नहीं। अब फ्रेंड्स, हम इसमें डॉट का निशान भी लगाएंगे। देखिए, आगे और पीछे हमारे दोनों डॉट लगेंगी, तो उस डॉट का निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ से हम इस जगह से कमर की फिटिंग देने के लिए यहाँ पे डॉट के निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह, और जो इसकी जो लंबाई है डॉट की, वो भी हम 4.5 लेंगे, मीडियम साइज़ है 4.5 लेंगे। अगर आपकी साइज़ बढ़ा है, हिप साइज़ बढ़ा है साइज़, तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से 1/2 इंच की हम इसमें डॉट डाल देंगे इस तरह से। ये डॉट हमारी आगे भी लगेंगी और ये डॉट हमारी पीछे साइड बैक साइड में भी लगेंगी। मैं 2 डॉट आगे लगेंगी आगे वाली साइड में, 2 डॉट हमारी पीछे तरफ लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए, हम इस पर कट का निशान लगा देंगे। देखिए, हमने कट का निशान लगा दिया, इस तरह हमारी ये 4 डॉट हमारी ये लग जाएंगी, 4 पीस आगे और पीछे दोनों में हमारी ये डॉट का निशान आ गया। अब देखिए, हम इसकी बार बार से यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों आगे और पीछे के दोनों पीस हमारे पेटीकोट के कट गए, फिश कट पेटीकोट कटिंग हमारी हो गई। अब फ्रेंड्स, हम बेल्ट कैसे इसकी कटिंग करेंगे वो आपको बताती हूँ, तो पहले इसको साइड कर देते हैं। ये हमारा जो कपड़ा है बचा हुआ है, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। 1.5 इंच का हमारा जो बेल्ट लगेगी और 1.5 इंच की हम पलटेंगे इसको, तो 3 इंच हो गया, और 1 इंच हमारा अंदर और बाहर दोनों तरफ मार्जिन चला जाएगा, सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो ये 4 इंच की बेल्ट कटेगी, तो हम 4 इंच पे देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स, अब हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हिप का लेते हैं फ्रेंड्स हाफ। हिप है हमारी 36 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 18 इंच। 18 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19 इंच। तो 19 इंच की हमारी बेल्ट ये तैयार होगी, मतलब डबल में ये हो जाएगी 38 इंच। 2 इंच हमारी लूजिंग है, 36 हमारी हिप है, तो 2 इंच की हमारी इसमें लूजिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो बेल्ट की जो हमारी जो लंबाई होगी वो 4 इंच होगी, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 19 इंच होगी। तो फ्रेंड्स, वो देखिए, हमने ऐसा करके इस तरह हमने 4 फोल्ड कर देना कपड़े को, इस तरह 4 फोल्ड करके इस तरह रखेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से 9.5 पे निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ से, और ये हमारा 4 फोल्ड है। ये डबल में देखिए, यहाँ से हमारा फोल्ड है और यहाँ से हमारा ओपन है, और यहाँ से हम देखिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह, ये 4 इंच पर, और इसको सीधा कर देंगे इस तरह। और यहाँ से देखिए, हमें जो अंदर फोल्ड करना है उसके लिए हमें 1/2 इंच का यहाँ से सिलाई मार्जिन भी रख लेंगे। ये जो हमारा अंदर करनी पड़ेगी बेल्ट की, वो हमें इसे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब हम जो ये लाइनिंग का कपड़ा है उसे हम जो शैंडून के कपड़े पर रखकर हम इसे कटिंग करेंगे।
अब जो ये हमारा शैंटू का कपड़ा है, देखिए जो चमक वाला कपड़ा है, इसको देखिए वैसे फोल्ड करेंगे जैसे हमने लाइनिंग को फोल्ड किया था, उस तरह हमने कन्नी से फोल्ड करना है इसको। एक बार लंबाई में फोल्ड करना है, फिर देखिए इस तरह से हमने चौड़ाई में फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है, फोर फोल्ड, जैसे हमने लाइनिंग को फोल्ड किया था वैसे ही हमने इसको भी फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए ओपन साइड है, एक दो तीन और ये चार, और ये हमारा फोल्ड साइड है। पहले हम देखिए ऐसे ऊपर नीचे कपड़ा है, इसको हम कान को काटेंगे। ये देखिए ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा फोल्ड साइड है। अब इस पर लाइनें रख के हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह रख देंगे हम इसे, और एक पैर छोड़ते हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से जो हमारा ये फोल्ड का कपड़ा बचेगा, यहाँ से हमारी बेल्ट निकल आएगी, और जो ये वाला कपड़ा बचेगा इस जगह से हम बॉटम को जो हम बुन पट्टी लगाएंगे उसको फोल्ड करेंगे, उसके लिए काम आ जाएगा। तो एक पैर छोड़ते हम इसकी बार बार से कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाइनिंग की और मेन फेयर भी कटिंग हो गई, और ये हमारी बेल्ट भी कट गई। इस तरह से हमारी फिश कट पेटीकोट कटिंग कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।